नमस्कार। आज का रेसिपी है गाजर का पराठा। तो इसे कैसे बनाया वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, ये धनिया और हरी मिर्ची काट के रखा है, गाजर को ग्रेट करके रखे थे और इसे निचोड़ लेती हूँ। मैंने स्टफिंग वाला पराठा बनाऊंगी तो इसीलिए एक्स्ट्रा पानी निकाल देती हूँ, तो अच्छा होगा पराठा बनाने में। इस पानी से आटा भी गूंद सकते हो। ये देखिए, गाजर खिला खिला हो गया, इसे बॉयल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके सारे गाजर को निचोड़ लेती हूँ। इस पानी को फेंकने की जरूरत नहीं है, इसे सूप वगैरह बना ले सकते हैं और आटा भी सान सकते हैं। और इसमें दे दिया वो कटे हुआ हरा धनिया और हरी मिर्ची, और दे दिया थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर। इसमें हल्दी पाउडर देने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लोग दे भी सकते हैं, ऐसे तो हेल्दी भी है हल्दी। टेस्ट के हिसाब से नमक दे दिया स्टफिंग के लिए। मैंने पराठा में थोड़ा सा नमक दे दिया आटे में। और हाँ, आटा गूंदना इस बार नहीं दिखाती हूँ, पहले दिखाया बहुत सारे पराठे में, और हर बार एक ही चीज दोहराना अच्छा नहीं लगता है, आप लोग भी बोर हो जाओगे, तो इसीलिए इस बार सिर्फ आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। अब इसे मिला लेती हूँ चम्मच से, हाथ से भी मिला सकते हैं, मैंने चम्मच की मदद से मिला लिया। इसे हल्के हाथ से मिलाना है और अब इसमें दे दूंगी थोड़ा सा पनीर। पनीर भी घर पे है तो वो भी डाल देती हूँ थोड़ा सा, एक ग्रेट करके, तो और अच्छा लगेगा। ऐसे पनीर घर पे था तो दे दिया, नहीं तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। गाजर का पराठा है, पनीर का नहीं है, तो सिर्फ गाजर डालने से भी चलेगा। हो गया, अब इसे भी मिला लेती हूँ। इसे भी चम्मच के मदद से मिला लिया अच्छी से और स्टफिंग तो रेडी हो गया। स्टफिंग भी रेडी है और आटा भी रेडी है, तो इसे बेल लेती हूँ। ये गेहूं की आटा की डो बना के रखी थी, इसे बेल लेती हूँ। नॉर्मल रोटी पराठा जैसा बेलना है। ये देखिए, मैंने गोल शेप देती हूँ, ये बहुत ही इजी है, सबके लिए आसान है इस टाइप का पराठा बनाने का। बहुत लोग दो रोटी बना के एक ऐसे दो रोटी बनाते हैं, चाहे तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने एक रोटी से पराठा बना लेती हूँ, इसमें स्टफिंग भर दूंगी, आप लोग देखते रहिए। सारे पराठा को बेल लिया, अब इसमें स्टफिंग भरने का है। चकला पर एक रोटी ले लिया बेला हुआ, अब इसमें आधा हिस्सा में मैं लगा देती हूँ मेयोनीज। मेरे घर में तंदूरी मेयोनीज है तो इसे लगा देती हूँ। इस हिस्से में आप लोग चाहे तो क्या बोलते हैं वो पिज्जा पास्ता सॉस भी लगा सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये तंदूरी मेयोनीज था तो इसे लगा दिया। और ये किनारा छोड़ के लगाना है, और ये किनारा में मैंने थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ, और आधा हिस्सा में लगाना है, क्योंकि आधा हिस्सा में मैंने स्टफिंग भरूंगी और आधा हिस्सा ढक के फोल्ड करके ढक दूंगी। मैंने इसे तो लगा दिया, अब इसमें दे देती हूँ स्टफिंग। एक गाजर का स्टफिंग चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ, हाथ से भी डाल सकते हैं। अच्छी से गाजर का स्टफिंग भर दिया, बस थोड़ा सा सेट कर लिया, और पानी तो पहले ही साइड में लगा दिया था, अब इसे ढक देती हूँ। बस अब थोड़ा सा प्रेस कर देती हूँ, चाहे तो आप लोग बेलन से भी थोड़ा सा बेल सकते हैं, लेकिन बेलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चिपक गया। अब इसे गरम तवा पर सेंक लूंगी और थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डाल दूंगी,
अब गरम ताप है, इसे दे देती हूँ। ताप पे अभी तेल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दिया तो भी चलेगा लेकिन मैंने दिया नहीं। अभी इस साइड 1 मिनट होने के बाद इसे पलट दूंगी दोनों साइड से, एक एक मिनट सेकने के बाद मीडियम फ्लेम पर। एक एक मिनट ही सेकना है, ज़्यादा सेकने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसे पलट देती हूँ। देखिए इस साइड थोड़ा सा हो गया, और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल ब्रश कर देती हूँ। चाहे तो आप लोग बटर भी दे सकते हैं, घी भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने रिफाइन ऑयल से बना रही हूँ। और इस साइड भी पलट देती हूँ, और इधर भी थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर देती हूँ। ऐसे पलट पलट कर इसे सेक लूंगी तो कच्चा नहीं रहेगा, और बीच में इसे काट दूंगी तो सेकने में और आसान होगा, कहीं पे कच्चा नहीं रहेगा। ये देखिए ऐसे करके काट दिया, और इस टाइम काटा तो आसानी से कट जाएगा। और ये देखिए ऐसे करके अच्छे से इसे सेक लिया, और अभी पल उठा के रख देती हूँ। रेडी हो गया गाजर का पराठा। ऐसे करके सारे पराठा को बना लूंगी, बहुत ही आसान है बनाने का। सारे पराठा को बना लिया, अब इसे प्लेटिंग कर देती हूँ। मैं इसे सर्व करती हूँ दही और ग्रीन चटनी के साथ। आप लोग चाहे तो इसे अचार के साथ भी खा सकते हैं, सॉस के साथ भी खा सकते हैं। और मैंने 2 गाजर का सलाद दिया। एक गाजर का रेसिपी है आज का, और गाजर का हलवा भी बनाई थी, वो भी थोड़ा सा दे देती हूँ। ये था आज का मेरा ब्रेकफास्ट थाली। कैसा लगा ये थाली कमेंट करके बताइए प्लीज। गाजर को थोड़ा सा उठा के दिखाती हूँ, देखिए कितना भरा भरा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। देख के मन हो रहा है ना बनाने की, तो बना लीजिए, देर किस बात की। और मेरे चैनल को नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक करना ना भूलिए। इतना टाइम मुझे देने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।